जेके न्यूज अस्सलाम वालेकुम जेके न्यूज के साथ मैं हूं जुनेद अंसारी आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान और भारत को मसले कश्मीर के हल के लिए बाहम मुजाकरात को आगे बढ़ाना चाहिए पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में नार्वे फ्लाहू बहबूद के काम जारी रखेगा नार्वेजियन सफीर का कोटली में इफ्ताही तकरीब से किताब मुबारक की आमद बाजारों में अशियाए खुरदनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी जखीरा अंदोज सरगर्म इंतजामिया बन गई आजाद कश्मीर के शहर मीरपुर में कायम हुकूमत पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर्स बंद शहरियों को शदीद का सामना। दोहरी शहरीत का इशू असल मसाइल से तोज़ो हटाने की कोशिश है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और अदालतें अवामी मुश्किल का सबब बनने वाले मामला आरोप दें। इंसानी हकूक के अलम बर्दार अंसार बर्नी एडवोकेट की बरतानिया में जेके न्यूज ऐसी गुफ्तू पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर के हल के हल लिए बाहम में नार्वे फ्लाहो बहबूद के काम जारी रखेगा नार्वेजियन सफीर सिस्ली का कोटली में इफ्ताही तकरीब से खिताब नार्वे की सफी लैंडवर्क ने कोटली के इलाके फगवाड़ मोड़ा में रहमा इस्लामिक रिलीफ के रूरल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का अफ्ताह किया और सेंटर का दौरा किया जेके न्यूज़ के नुमाइंदे जबारली शोकत के मुताबिक नार्वे की सफीर मिस सिस्ली लैंडवर्ग और वजीर खुराक जावेद इकबाल बढ़ानवी तकरीब में शिरकत के लिए फगवाड़ मोड़ा पहुँचे तो नन्ही बच्चियों ने उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए अवाम इलाका ने फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका वालेहाना वालेना किया। नार्वेजियन सफीर की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम थे नार्वेजियन सफीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नार्वेजियन हुकूमत आजाद कश्मीर में सेहत तालीम और दीगर शोभाजात में आवाम को बेहतर सहूलियात पहुँचाने के लिए किरदार अदा करेगी रहमा इस्लामिक रिलीफ के जरिए नारवे हुकूमत मुख्तलि मनसूबों के लिए फंड फ्राहम करेगी पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर के हल के लिए बाहम मु करने चाहिए आज़ाद कश्मीर खूबसूरत खिता है और यहाँ के लोग मेहमान नवाज और खुश इखलाक है तकरीब ऐसी वजीर खुराक जावेद इकबाल बढ़ानवी ने भी खिताब किया वजीर खुराक ने कहा के इदारा के जेर एहतम नार्वे हुकूमत के ताउन ऐसी फगवाड़ मोड़ा नक्याल के अंदर हेल्थ सेंटर का क्याम इलाका के आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा है जिस पर नार्वे हुकूमत और रहमा के मशकूर है उन्होंने नार्वे की सफीर मिस सिसली का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने फगवाड़ मोड़ा का दौरा किया और सेंटर का अफ्त किया तकरीब ऐसी दीगर मुक्रीन ने भी खिताब किया रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही आज़ाद कश्मीर भर की तरह मीरपुर में भी अशियाए खुरदनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी ज़खीरा ज अशियाए जरूरत का मसनू बहरान पैदा करने के लिए सरगर्म प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अपना रोल अदा करने में तालाल नाकाम है हर साल की तरह इस साल भी रहमतों बरकतों और मगफरतों के माह अल मुबारक की आमद के साथ ही अशियाए खुर्द नोश्त की कीमतें कई गुना बढ़ गई है जखीरा अंदोज ताजरों ने आटा चीनी दालें महंगे दामों फरोख्त करना शुरू कर दी है बाजार जाने वाले गरीब मुसलमान लुट पुट कर वापस आने लगे सब्जियाँ और फल भी गरीब आदमी की कुत खरीद से बाहर हो गए हैं आज़ाद कश्मीर भर की तरह मीरपुर में भी जिली इंतजामिया की जेर निगरानी काम करने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अपने फ्राइज अदा करके गरीब को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोभा आर्ट एंड डिजाइन के जेरम नुमाइश का किया गया जिसमें आर्ट एंड डिज़ाइन के और तालबात के और फाइनल थीसिस के पारों की नुमाइश देखने के लिए बड़ी तादाद में जामिया के तलबा वालबा ने शिरकत की आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा आर्ट एंड डिज़ाइन के तलबा तालबात ने टेक्सटाइल डिसप्लिन में मुख्तु मनबूसात की नुश की जो उन्होंने खुद तैयार किए थे इनमें बेडरूम इंटीरियर कैफेटेरिया सेट डिज़ाइन किए गए थे ग्राफिक्स डिसिप्लिन में मुख्तल पोस्टर तस्वीर और स्टेशनरी गई थी जिनकी निगरानी और लेक् रमजानबारक की आमद के साथ ही आजाद कश्मीर का मौसम अबरे रहमत के बरसने से खुशगवार हो गया बरकतों के महीने के आगाज में ही बारान रहमत के नजूल ने गर्मी का जोर खत्म कर दिया रमजान शरीफ की आमद के साथ ही आजाद कश्मीर में बरकतों की हवाएं चल पड़ी अब रहमत बरसने से मौसम खुशगवार हो गया शुभान के महीने में आखिर तक गर्मी की शिद्दत अपने पर रही लोगों ने रमजान करीम की आमद के साथ ही अब्रहमत के नजूल को खुश आयन और बायसों बरकत करार दिया है आज़ाद कश्मीर का मौसम बारिश के बायस खुशगवार होते ही बच्चे और बड़े घरों से बाहर निकल आए और मौसम की ठंडी लताफत ऐसी लुफानंदोज होते रहे महकमा मौसमियात का कहना है की अब बारिशों का ये सिलसिला पाकिस्तान के शमाली बालाई इलाकों और कश्मीर में जारी रहेगा ये प्री मानसून बारिशों का एक सिलसिला है न्यू टाउन चक्सवारी में आबाद मुतासरी ने मंगला डैम तोसी मनसूबे जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है न्यू टाउन चक्सवारी में न पानी है ना बिजली बल्कि सहूलियात नाम की कोई चीज नहीं चकसवारी से देखते हैं हमारे नुमाइंदे यासर मुमताज की रिपोर्ट चक्सवारी से जेके के न्यूज़ के नुमाइंदे यासर मुमताज के मुताबिक ने कहा कि हमारे साथ किया जा रहा है। न्यू टाउन में बिजली और पानी का निजाम मौजूद है बिजली को चलाने का अमल बाकी है इसी तरह पानी का सिस्टम भी अभी तक नहीं चलाया गया न्यू टाउन में सहूलतों के फुकदानैम ने शीद एहतजाज करते हुए वजी अजम आज़ाद कश्मीर ऐसी पुरजोर मुतालबा किया की कि वो न्यू टाउन में आबाद मुतासरीन को फौरी तौर पर जिंदगी की बुनियादी सहूलते फ्राहम करने के लिए मुतलका इधारों को जारी करें। असिस्टेंट कमिश्नर कोटली का पुलिस नफरी के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल कोटली पर छापा सजाए मौत के चार कैदियों से मोबाइल फोन कैंचियां चाकू और कैं बरामद। डिस्ट्रिक्ट जेल कोटली में मुंशियात और मोबाइल फोन का इस्तेमाल होने की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर उमर आजम ने पुलिस की नफरी के हमला जेल में सर्च ऑपरेशन किया ऑपरेशन के दौरान जेल अमला समेत कैदियों में मच गई खलबली और लगे सारे अपने आप को बचाने हथे चढ़ गए सजाए मौत के चार कैदी जिनसे बरामद हुए मोबाइल फोन ब्लेड चाकू और तारे सजाए मौत के कैदी भी हुए गर्म और दी सारी कहानी जेल में मुंशियात फरोख्त होती है और मोबाइल फोन सरे आम इस्तेमाल होते हैं मगर इनको कोई नहीं पूछता जनाब आए हमारे साथ हम आपको हर कैदी से मोबाइल फोन बरामद करवा के देते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल कोटली में 200 कैदियों की गुंजाइश है इस वक्त जेल में 180 कैदी हैं, जिनमें छह खात भी शामिल हैं जेल में नबे के करीब कत्ल और डिकेती के मुख्तलिफ वारदातों में मुलवस कैदी मौजूद है काफी दिन से अपनी प्लान कर रहे थे कि किसी मुनासिब मौके पर ये सरप्राइज सर्च ऑपरेशन किया जाए और आज हमने मैंने से सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एस एच ओ जमीद साहब ने यहाँ पे नफरी यहाँ पे ऑपरेशन किया है और यहाँ पर कैदियों के पास से मोबाइल फ़ोन और कुछ ऐसी अशिया चार्जर्स हैं कैंचियाँ हैं और रेजर्स हैं इस किस्म की चीज़ें और मुख्तलि किस्म की वायर्स मिली हैं हीटर्स मिले हैं तो उन सब चीज़ों को हमने जब्त कर लिया है और मस्तबिल में भी अगर हमें इस तरह की कभी कोई रिपोर्ट मिलती है तो हम सर्च ऑपरेशन जारी रखेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर तालीमी बोर्ड मीरपुर ने मैट्रिक के इम्तहान के नतज का ऐलान कर दिया नतज में तालबात ने बाजी जीत ली आज़ाद कश्मीर का कोई भी सरकारी अदारा पोजीशन हासिल ना कर सका पहली चारों पोजिशनें मीरपुर शहर के एक निजी स्कूल की तालबात ने हासिल कर लीं तालीमी बोर्ड के नतज के मुताबिक हुमा अरफान ने दस सौ पचास में से दस सौ बीस नंबर हासिल करके पहली ईशा तारक ने दस सौ उन्नीस नंबर लेकर दूसरी जबकि दो तालबा मदिया खान और मुआजा जावेद ने मसावी तौर पर दस सौ सो सोलह नंबरात हासिल करके मजमू तौर पर बोर्ड में तीसरी और साइंस ग्रुप तालबात में भी तीसरी पोजीशन हासिल कर ली इन चारों तालबात का ताल्लक मीरपुर के एक निजी स्कूल से है चेयरमैन ताली बोर्ड प्रोफेसर अफजल मिर्जा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इंटरमीडिएट व सानवी ताली बोर्ड मीरपुर के जेर एहतमाम इम्तिहान सानवी कम्पोजिट सालाना दो हजार बारह के नतज के ऐलान के मुताबिक मजमू तौर पर उनसठ हजार छियासी उम्मीदवार ने शिरकत के लिए फार्म हाथ दाखिला अरसाल किए जिनमें ऐसी सत्तावन हजार नौ सौ चौरानवे ने इम्तिहान में शिरकत की बतौर रेगुलर छत्तीस हजार पैंसठ उम्मीदवार शामिल इम्तिहान हुए इनमें से अट्ठाईस हजार एक सौ बत्तीस उम्मीदवार कामयाब करार पाए इस तरह इनका नतीजा अठहत्तर फीसद रहा जबकि इक्कीस हजार नौ सौ उनतीस उम्मीदवारान ने प्राइवेट तौर पर इम्तिहान में शिरकत की और इनमें से सात हजार दो सौ इक्यावन उम्मीदवार कामयाब हुए इनका नतीजा तैतीस इशारिया जीरो सात फीसद रहा इस तरह मजमू तौर पर बोर्ड का नतीजा इकसठ इशारिया जीरो एक फीसद रहा है मीरपुर आजाद कश्मीर के नवाही इलाके पलजूरा टाउन के मुकाम पर दो मुसाफिर वैनों में तसादम के नतीजे में पंद्रह अफराद जख्मी हो गए मीरपुर आजाद कश्मीर के नवाही इलाके बलजूरा टाउन के मकाम पर दो मुसाफर वैनों में तसादम के नतीजे में पंद्रह अफराध जख्मी हो गए एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली दोनों गाड़ियां आपस में तेज़ रफ्तारी के बायस टकराई हादसे की इतला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौका पर पहुँच गयी और जख्मियों को गाड़ियों ऐसी निकाल कर एम्बुलेंसेज के जरिए डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर अस्पताल मीरपुर पहुँचाया गया कुछ जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है आजाद कश्मीर के शहर मीरपुर में कायम हुकूमत पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर बंद पड़े हैं दुल मुबारक में शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है ये है मीरपुर आजाद कश्मीर की मैन चारा अलामा इकबाल रोड पर कायम यूटिलिटी स्टोर इसकी इंतजामिया ने यूटिलिटी स्टोर के बाहर सरप्राइज ऑडिट का बोर्ड लगाकर स्टोर बंद कर रखा है शहरियों का कहना है कि सरप्राइज ऑडिट का बोर्ड स्टोर इंतजामिया ने आम लोगों के लिए लगा रखा है जबकि बात तबका यहाँ से सौदा सल्फ लेके जाता है इसी तरह शहर के सेक्टर एफ थ्री में कायम यूटिलिटी स्टोर के बाहर बवजा की स्टोर बंद होने का बोर्ड लगा हुआ है शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि माह रमजान के आगाज आरोप ही लोगों के साथ यूटिलिटी स्टोर की इंतजामिया के इस नारवा सलूक का नोटिस लिया जाए दोहरी शहरीत का इशू असल मसाइल से हटाने की कोशिश है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और अदालतें अवामी मुश्किल का सबब बनने वाले मामला पर तो गुरबत महंगाई लाकानूनीत और बदमनी ने गरीब लोगों का जीना दो भर कर रखा है इंसानी हकूक के अलम बरदार अनसार बर्नी एडवोकेट की बरतानिया में जे के न्यूज से गुफ्तु गु। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान में और बहुत सारे मसाइल हैं गुरबत है इलास है करप्शन है अदालती मामला हैं बहुत सारे दिगे तो ये एक नया इशू क्या बना दिया गया है मैं मैं इसको ये समझता हूँ कि ये असल हक़ाक़ पर से असल मसाइल पर से तो हटाने का एक तरीक़ार है ड्यूल नेशनलिटी की जहाँ तक बात है जो मुल्क से बाहर लोग बसते हैं मैं समझता हूं कि उन्होंने हर मुल्क में हर शहर में एक छोटा छोटा सा पाकिस्तान बनाया हुआ है और मैं उनको सलूट पेश करता हूं मैं उनको सलाम पेश करता हूं मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट को आ, और मामला पे देखना चाहिए सिर्फ यही एक मसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं लोगों के मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे सुप्रीम कोर्ट सियासत एक सियासी नई जमात बन चुकी है और उसको अपने अंदर ख़ुद कुछ नज़र नहीं आ रहा जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने बेटे का केस खुद सुनते हों जहाँ पे वो चीफ़ जस्टिस हों और उनके बेटे का ट्रायल जो है उसी कोर्ट में हो रहा हो तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम इतने अरसे के लिए चीफ जस्टिस को छुट्टियों पे चला जाना चाहिए जब तक उनके बेटे का मामला जो है वो उस कोर्ट में पेंडिंग है इसलिए कि कैदी जो हैं वो बेचारे मर रहे हैं जेलों में उनका बुरा हाल है बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं सलिन के लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है मेरे ख्याल है कि इंतज़ामिया को इंतज़ामिया का काम करने दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट उन लोगों पर तोह दे जो वाकई मुस्तक हैं किसको हटाना है किसको रखना है मैं ख्याल है कि अगर इंतज़ामिया गलत कर रही है तो पाँच साल के बाद लोग उन्हें खुद मुस्तरद कर देंगे ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं होना चाहिए ये काम आवाम का होना चाहिए फिर अगर आप नहीं करना है सारे फैसले तो नेशनल असम्बली को ख़त्म कर दीजिए आप असेंबलियों को बंद कर दीजिए को ख़त्म कर दीजिए अगर को रखना है तो फिर आप मेरा ख्याल है कि आप कैदियों दें और जिनके साथ इंसाफ करना है उन पर दें इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत मजीद खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट जेके न्यूज डॉट टी वी अल्लाह नगेवान